नमस्कार वेलकम टू वेटिंग वेलकम कुमारी ओम शांति ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन थैंक यू हम बात कर रहे थे संस्कारों की आदतों की थॉट लेवल से लेके फिर कहाँ से कहाँ तक पहुंचे तो संस्कार जिनको मैं समझ रहा था कि संस्कार तो बाय बर्थ है Yes. जैसे कहते हैं ना गाड़ी में या कोई इक्विपमेंट में इफ देर इज एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो हम वापस ले लेंगे right. वैसे मैं इन चीजों को एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी समझता था मैं कभी नहीं सोचा था कि ये एक्वायर होता है और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं हाँ yes. तो यहां मुझे अभी इतना विश्वास हो गया कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है ही नहीं सोल में सिर्फ अच्छी क्वालिटी ही है तो अभी मैंने कोशिश की काफी एंड आई सक्सेसफुल छोटा-छोटा-छोटा-छोटा जैसे आपने कहा था खाने के ऊपर वो नहीं करना मैंने पहले से ही उनको वाइब्रेशन अच्छे दे के भेजे yes. कि भाई दे आर नाइस पीपल वो लव तो आज ना उधर से आया ना मैंने किया कितना सिंपल है नॉलेज नहीं थी तो ये समझा ये नेचर है जीवन भर उसके साथ चलते और आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते एक नॉलेज मिली कि दीज़ आर आई ऑल्सो ब्यूटीफुल संस्कार एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन क्रिएट संस्कार। नॉलेज के साथ साथ पहले मैं डर गया मैंने अगले जन्म में मुझे ऐसे नहीं बनना है अगले जन्म में मुझे वैसे भी नहीं बनना है अगले जन्म में मैंने क्या बनना है मैंने डिसाइड किया तो अगले जन्म में हमें कैसा चाहिए मुझे नाइस मैन चाहिए नहीं नाइस तो अभी भी हैं सब लोग हम सब नाइस हैं लेकिन अगले जन्म में एग्जैक्टली कैसा चाहिए एग्जैक्टली exactly, अच्छी मतलब सोचना बोलना और करना तीनों मुझे परफेक्ट क्लोजेस्ट टू परफेक्शन चाहिए हाँ, नहीं परफेक्ट भी बोल सकते हैं अच्छा हाँ, प्यार से एवरी सोल नो हार्मनी एंड जहाँ मैं बैठू चारों तरफ मैं सबको प्यार I should vibrate happiness, vibrate love. तो ये सब कुछ अगले जन्म में क्यों चाहिए अभी से प्रैक्टिस करूंगा तो अभी मिलता तो रहेगा तो एम ये रखना है कि इस जीवन में मुझे ऐसा बनना है बहुत जल्दी ऐसा बनूंगा तो ही कैरी फॉरवर्ड होगा कैरी फॉरवर्ड तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा इस जीवन में मुझे ऐसा बनना है बिकॉज दिस इज वॉट आई लाइक दिस इज वॉट फील्स बैंक में डाल के ओल्ड एज के लिए रखूंगा तो आज मैं रिच आज आज हूँ आज काम तो मेरे अगले जन... ओल्ड एज में भी आएंगे ना काम तो अभी भी आएंगे ना लेकिन हाँ जरूरत पड़ेगी फ्यूचर जरूरत क्यों जो आज आप अपने ऊपर वर्क करेंगे संस्कारों पे वर्क करेंगे उसका इमिजिएट बेनिफिट तो अभी मिलने वाला है तो नया जन्म अभी हो रहा है नया जन्म अभी हो रहा है फिर अगला जन्म क्या हो यही जन्म में दूसरे जन्म जब संस्कार परिवर्तन होते हैं तो उसको नया जीवन ही कहते हैं जब अज्ञान से ज्ञान में आते हैं उसको भी नया जीवन ही कहते हैं न्यू बर्थ वाई न्यू वे ऑफ लिविंग न्यू कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस ही चेंज हो गई है मैं कौन तो नया जीवन ही हो गया एंड फिर जैसे आपने कहा कि जो अभी हम करेंगे वो संस्कार मुझ आत्मा के साथ यात्रा पर जाएंगे डबल बेनिफिट हो गया ना परमानेंट बेनिफिट हो गया परमानेंट परमानेंट हो गई ना वो रिकॉर्डिंग आज की की हुई मेहनत परमानेंट चलने वाली है वो रिजल्ट ये याद रखना कि आत्मा है शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है ये हमें कितनी सारी चीजों पर ध्यान रखना सिखाती है जैसे आप देखो जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं बुरा नहीं बोलना उसके बारे में चला गया ना भी उसके लिए बुरा नहीं बोलना क्यों कहते हैं इस तरह से कि बुरा नहीं बोलना क्यों क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है ओके okay. उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है क्योंकि अब वो हंड्रेड परसेंट सोल कॉन्शियस है आत्मा जब हम मेडिटेशन बॉडी नहीं है ना बॉडीलेस है ना तो कैचिंग पावर हाईएस्ट है हंड्रेड सोल कॉन्शियस आत्मा हर एक की थॉट कैच कर सकती है इसीलिए जब हम मेडिटेशन भी करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे भी सोल कॉन्शियस की तरफ चलते हैं वी आर एबल टू कैच पीपल्स वाइब्रेशंस। संत महात्माओं के पास जाते हैं हम देखते हैं हम दादियों के पास जाते हैं उनके पास जाकर बैठते हैं मन में कोई बात है पहले ही आंसर मिल जाता है उनको पता भी तो चल जाता है पता कैसे चल जाता है कि soul soul. हाँ, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस स्टेट में बैठे हैं तो वो सामने वाली आत्मा की वाइब्रेशंस को क्या कर सकते हैं कैच कर सकते हैं तो ऐसे ही आत्मा जब शरीर से न्यारी है शरीर छोड़ दिया है तो उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पर यू you नो know, सब इकट्ठे होते हैं उस आत्मा के प्रति शांति का दान देने के लिए पूजा के लिए तो कहते हैं यहाँ की वाइब्रेशंस में उस आत्मा के लिए कुछ नहीं कहो क्योंकि वो आत्मा यही है वो सुन लेगी क्योंकि वो कैच कर सकती है सबकी थॉट्स अब अगर हमें ये बात याद रहे तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा वो आत्मा जो हमारे घर से गई है अभी वो दूसरे घर जाकर एक नए शरीर में जन्म लिया राइट लेकिन अभी वो नए शरीर से अटैच नहीं हुई है वो नए स्थान पर जाके माँ के गर्भ में प्रवेश किया है उसका अभी अपने नए शरीर से अटैचमेंट नहीं है नए परिवार से जगह से तो कोई अटैचमेंट नहीं है तो माँ के गर्भ में आत्मा बिल्कुल डिटैच्ड सोल कॉन्शियस होती है उस सोल कॉन्शियस स्थिति में आत्मा अपने पीछे छोड़े हुए परिवार के सब थॉट्स और वाइब्रेशंस कैच कर सकती है दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम कहते हैं रोना तो नेचुरल है उदास रहना नेचुरल है उनको मिस करते हैं हम कहते हैं उनके बिना हम जी नहीं सकते हैं कई लोग पीछे ऐसे सोचना शुरू करते हैं अब मुझे जीना ही नहीं है ना व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ ये कांस्टेंट एक थिंकिंग चलती है उस फैमिली मेंबर्स के अंदर जो पीछे हैं अब हमें सोचना है ये सारी थॉट्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो आत्मा कैच कर रही है अपने आप को उस जगह पर रखते हैं मैं पता क्या इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पिता ने या माता ने एक बहुत सुंदर सा एक महल जैसा ब्यूटीफुल घर नया बनाया और मैं देख देख के रो रहा हूँ अच्छा घर मिल गया मतलब आई एम नॉट लाइकिंग इट अरे भाई उनको नया शरीर नया सुंदर महल मिला है नया घर मिला है तो उनको मुबारक देना चाहिए कि उनके बारे में अब मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा मुझे छोड़ के वहाँ क्यों गए क्यों गए

कभी छोटे बच्चे रह जाते हैं कभी ओल्ड पेरेंट्स रह जाते हैं ये सब पीछे रह गए हैं ये मैं आत्मा यहाँ से निकली, माँ के गर्भ में प्रवेश किया बोल नहीं सकती लेकिन कैच सब कुछ कर सकते हो वहाँ पे। वहाँ पे मुझे कंटिन्यूसली ये मैसेज मिल रहा है क्यों गए क्यों गए वापस आ जाओ हमें कैसे छोड़ के चले गए हमारा ध्यान कौन रखेगा हमारे बारे में नहीं सोचा क्या एक, -एक थॉट जो वो आत्मा वहाँ कैच करती है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी यू मेक दैट आत्मा फील गिल्टी है ना गिल्टी एंड सो मच पेन कि मैंने कौन सा बड़ा नुकसान बहुत सी so बड़ी much गलती कर दी कि आई हैव फेल्ड इन माय ड्यूटी फॉर माय फैमिली मैं उनका ध्यान नहीं रख पाया अब ये सारे मैसेजेस वहां जा रहे हैं वो आत्मा वापस भी नहीं आ सकती वापस भी नहीं आ सकती लेकिन मैसेजेस उसको कंटिन्यूसली मिल रहे हैं तो आत्मा जब गर्भ में होती है तो काफ़ी दर्द अनुभव करती है आत्मा जब गर्भ में होती है अपने पिछले जीवन के किए हुए सारे कर्म उसके सामने उसको याद आते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज में सब कुछ दिखाई देता है लाइक मूवी रील मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया बहुत सारे लोग जो अभी भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ क्षणों के लिए ही ऑपरेशन टेबल पे या एक एक्सीडेंट में कुछ क्षणों के लिए शरीर से निकल जाते हैं उनको उन कुछ क्षणों में ही जीवन का सब कुछ दिखाई दे देता है तो आत्मा जब गर्भ में होती है उसको अपने पिछले जीवन में की हुई सारी बातें दिखाई देती हैं उस बात का भी दर्द होता है कि मेरे से ये गलती हो गई मेरे से ये गलती हो गई वो भी दर्द और फैमिली भी यहाँ से क्या भेजती है वो भी इतना तुमने हम हमारे बारे में नहीं सोचा तो हमें याद रखना है वो मर गए नहीं वो वहां गए हैं वो सब कुछ कैच कर रहे हैं तो जब हमें ये याद रहेगा हम अपनी सोच पर अटेंशन रखेंगे हाँ हम उनको याद करते हैं हम उनको मिस करते हैं लेकिन ऐसी कोई थॉट ना क्रिएट करें जो वहाँ पहुँचे और उनको दर्द मिले अगर हम कहते हैं हम उस आत्मा की शांति के लिए पाठ कर रहे हैं क्यों आत्मा की शांति के लिए पाठ कर रहे हैं क्योंकि मानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो थोड़ी अशांत है क्यों अशांत है क्योंकि वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ कर आई है तो आत्मा जब गर्भ में होती है वो अपने आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी बातें सोचती है कि इस बार मैं ऐसे करूँगा इस बार मैं ऐसे करूँ क्योंकि डिटैच स्टेज में दैट इज़ वाई डिटैचमेंट इज़ सो इंपॉर्टेंट शरीर से शरीर के भान से आसपास की चीज़ों से कुछ क्षणों के लिए भी डिटैच होते हैं तो ट्रुथ दिखाई देता है जब ईगो में होते हैं अटैचमेंट में होते हैं तो हम कहते हैं नो आई वॉज राइट ऑफकोर्स आई वॉज राइट दे वर रॉन्ग जैसे थोड़ा सा डिटैच हुए नहीं दिस इज नॉट द वे आई कुड हैव डन तो जब आत्मा गर्व में होती है उसको वो सब दिखाई देता है कि वॉट ऑल आई कुड हैव डन अना वे एंड उस टाइम आत्मा अपने आप से संकल्प करती है इस बार आई विल डू थिंग्स अनादर वे लेकिन जब वापस शरीर में जाती है जन्म लेती है बाहर आती है बड़े होती है वापस सेम वे करना शुरू करती है क्योंकि प्रोग्रामिंग चेंज नहीं की है, संस्कार नहीं बदले दैट इज़ वाई सो इम्पोर्टेंट कि हम क्या संस्कार कैरी फॉर्वर्ड कर रहे हैं तो आज हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर से फैमिली एंड फ्रेंड से कोई आत्मा अपनी जर्नी पर आगे गई है याद करें प्यार वाली याद दर्द वाली याद नहीं दुख वाली याद नहीं एंड डेफिनेटली ऐसी थॉट्स नहीं कि अब तो मुझे जीना ही नहीं है इससे अच्छा तो मैं चली जाती यू you नो know, ये वाली थॉट्स नहीं कोई ऐसी थॉट नहीं जो उस आत्मा को सुनकर वहाँ तकलीफ हो मेरी मदर की डेथ हुई थी शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर आराम से नर्स डे एंड नाइट के रखी और बहुत प्यार दिया उन्होंने हम पूरा अपना अपने वही सुना पाठ पूजा अपना जो जो करते थे वो आराम से बोले वो मुझे लेने आएगा और उन्होंने बोला भी आ हाँ आ गया आगे एंड वो चले गए जैसे टूटा फूटा बंगला है उसके बदले में कोई नया बना रहे हैं है अच्छा माँ चलेगी अच्छा घर मिलेगा अच्छी नए लोग मिलेंगे नए वहाँ तो खुशियां मनाएंगे लोग जहाँ भी आत्मा गई है विजुअलाइज करें जहाँ आत्मा गई है उस घर में तो कितनी खुशी है नहीं लेकिन मैंने भगवान का भी थैंक्स किया कि इनको एक दुख और दर्द ज्यादा नहीं दी ना कुछ बार ऐसे होता है आजकल कोई यंग एज में भी शरीर छोड़ता है हाँ। है ना तो वो जो पीछे रह जाएगा परिवार उसको बहुत ज्यादा मिस करेंगे याद हाँ, बहुत आए है कदम पर आएगी याद लेकिन सिर्फ इतना अटेंशन कि थॉट कैसी वाली क्रिएट कर रहे हैं याद में भी याद में भी ये थॉट क्रिएट करें वो हमारे साथ थे हमने ऐसा किया हमें बहुत अच्छा लगा जितना समय हमने उनके साथ बिताया वो बहुत प्यारा था उनकी ये विशेषताएं थी अब वो जहाँ आगे हैं वहां उस यात्रा को बहुत प्यार से निभाएं ऐसी वाली दुआएं भेजना है याद तो हर आपके घर से कोई यंग चला जाए कोई बच्चा चला जाए किसी का स्पाउस चला जाए किसी का यंग एज में पेरेंट चला जाए इट इज़ इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट सीन इन आर लाइफ दैट वी हैव टू क्रॉस मेरे साथ कितने हुए फादर्स डेड भाभी डेड माय ब्रदर डैड इन माय आर्म्स 40 इयर्स ओल्ड एक एक थॉट लेकिन यहां हम थॉट की पावर की बात कर रहे हैं कि वो हमारा एक एक संकल्प उस आत्मा तक पहुंच रहा है हम जब सोच रहे होते हैं तो हमें लगता है हम सोच रहे हैं हमने कभी ये अटेंशन नहीं रखा कि ये हमारी सारी एनर्जी उस आत्मा तक पहुंच रही है माँ के गर्भ में दूसरी जगह पर और वो आत्मा को वहाँ तकलीफ होगी वो आत्मा का नया शरीर बनने लगा है आत्मा का नया शरीर बन रहा है वहाँ पे जैसी आत्मा की स्थिति उसका प्रभाव उसके नए शरीर जो बन रहा है उस पर पड़ेगा कैसी वाइब्रेशन भेजें रोज़ उसके लिए शांति का दान दें रोज़ दुआएं भेजें रोज़ प्यार से याद करें सारा दिन भी याद करें लेकिन दर्द वाली थॉट नहीं क्रिएट करें ये हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट कहें दुआ कहें ब्लेसिंग कहें जो हम कर सकते हैं उन आत्माओं के लिए जो आगे अपनी जर्नी पर चल गए हैं लेकिन वो तभी होगा जब हमें याद रहेगा कि आत्मा है आगे गई है लेकिन अगर हम कहेंगे मर गए देन वी फील दे आर वी कैन थिंक वट एवर वी वॉन्ट दैट्स वाई एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नोइंग सोल आई एम सोल चेंज एवरी थिंग शरीर ले ना ले आत्मा तो आत्मा है शरीर ले लिया ना लेकिन ना भी ले तब भी। आत्मा एक शरीर छोड़ती है उसका नया चोला रेडी होता है आत्मा शरीर ही तब छोड़ेगी आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी तब तक वो शरीर तब छोड़ेगी जब उसका नया कॉस्ट्यूम घर रेडी हो जाए नया घर रेडी है तब वो एक कॉस्ट्यूम से निकलेगी दूसरे कॉस्ट्यूम में जाएगी ये भी बहुत परिवारों में डर रहता है वो गए तो कहाँ गए उन्होंने शरीर लिया क्या नया वो खुश होंगे क्या हर आत्मा शरीर छोड़ेगी उसका नया कॉस्ट्यूम रेडी है जहाँ वो जाएगी परिवार खुशियां मना रहा है क्यों करें हम ये होंगे क्या हमको तो बोलना चाहिए कि भगवान खुश रहे जहाँ है तुम खुश रहो और उसको परमात्मा से कनेक्ट करके पावरफुल वाइब्रेशन भेजें रोज ताकि वो आत्मा क्योंकि वो आत्मा दर्द में है क्योंकि वो भी सबको छोड़ कर आई है ना वो भी सबको छोड़ कर आई है तो वो भी दर्द में है तो विशेष उनके लिए योग करें विशेष उनको वाइब्रेशंस भेजें और ये मैसेज भेजें आप आगे अपना ध्यान रखें हम यहाँ ठीक हैं इट्स लाइक गोइंग टू अनदर कंट्री और अनदर सिटी तो हम आप अपना पढ़ाई करो हम यहाँ ठीक हैं सेम हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे यहाँ आप अपना काम लुक एट दिस लाइन हम अपना यहाँ सब कुछ मैनेज कर लेंगे लेकिन जब अवेयरनेस नहीं है तो हम कहते हैं हमारा क्या होगा अब दोनों opposite. बातों में कितना फर्क ये ऑपोजिट एनर्जी उस आत्मा के लिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है प्योर एनर्जी भेजी आत्मा भी हील्ड उसका नया शरीर भी अच्छा बनेगा गर्भ में जो आत्मा की स्टे है जो पीरियड है वेरी पीसफुल एवरी मदर नोज दिस एक्सपीरियंस कि कई बार कितना दर्द है कितनी तकलीफ है बिकॉज आत्मा अंदर कितने दर्द में है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट फिजिकल दे आर बिकॉज ऑफ वॉट द सोल इज गोइंग थ्रू इन दैट फिजिकल कॉस्ट्यूम उतना दर्द उतनी तकलीफ उतना रेस्टलेसनेस आत्मा अंदर रेस्टलेसनेस होगी तो मदर कैसे कंफर्टेबल हो सकती है तो अगर ये स्थिति है तो हमें कंटिन्यूसली वो वाइब्रेशन देनी है अब जहाँ वो आत्मा गई है आगे तो वहां वो जाके माँ के गर्भ में प्रवेश किया उस आत्मा ने यहाँ से संस्कार कैरी किए ये सीढ़ी है संस्कारों के साथ गई है अब आत्मा डिटैच स्टेज में है गर्भ में तो वो पास्ट की फैमिली के वाइब्रेशंस तो कैच कर ही रही है साथ साथ वो कौन से वाइब्रेशंस कैच कर रहे हैं प्रेजेंट के प्रेजेंट के वेरी इंपॉर्टेंट आत्मा डिटैच्ड है हाईएस्ट कैचिंग पावर है हर चीज़ जो हम सोच रहे हैं कर रहे हैं बोल रहे हैं आत्मा कैच कर रही है प्रेजेंट फैमिली जहाँ वो आत्मा आई है उनको कितना अटेंशन रखना है जब हम कहते हैं कि ये बच्चे के ये संस्कार पेरेंट्स जैसे हैं ये आदतें उसको पेरेंट्स से मिली कब मिली तो हम कहते थे जीन में आत्मा ने आत्मा से कैच की वाइब्रेशन कैच किया किसकी आत्मा ने किसकी आत्मा से चुप बच्चा है जैसे आप उस दिन कह रहे थे कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मुझे देखकर सेम करने लग जाते हैं हाँ, जैसे मैं जूते होता वो स्टाइल भी वही करते हैं। सेम कर रहे हैं अब ये दो साल के शरीर में है लेकिन जब ये गर्भ में थे ये तब से कैच कर रहे हैं ये तब से कैच कर रहे हैं इसीलिए शब्द बना गर्भ संस्कार के गर्भ में बने हुए संस्कार आज साइंस ने इसके ऊपर पूरी स्टडी की है इट इज कॉल्ड बर्थिंग साइकोलॉजी इट इज़ कॉल्ड फीटल साइकोलॉजी के जो फीटस है इसकी साइकोलॉजी किस आधार से बनती है तो एक साइंटिस्ट ने बहुत ब्यूटीफुल कहा एज इज द माइंड ऑफ द मदर सेम इज द माइंड ऑफ द चाइल्ड उसने ये भी नहीं कहा द माइंड ऑफ द मदर वुल इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द चाइल्ड नहीं एज इज द माइंड ऑफ द मदर सो इज द माइंड ऑफ द चाइल्ड मतलब डायरेक्ट प्रभाव है जब हम कहते हैं एक आत्मा की वाइब्रेशन दूसरे तक जा रही है और जो गर्भ में आत्मा है उसकी कैचिंग पावर हाइएस्ट है तो जब ऐसी स्थिति है तो पेरेंट्स को कितना ध्यान रखना चाहिए सोचना खाना पीना बोलना उठना बैठना yes, सब कुछ yes. कौन सी पिक्चर आप देख रहे हैं वो किस तो बाह्य चीज है कि आप क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं क्या आप मूवी देख रहे हैं क्या आप पढ़ रहे हैं कहाँ किस स्थानों पर जा रहे हैं न ऐसे समय पर कितना ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसे स्थान पर ना जाए जहाँ वाइब्रेशन प्योर नहीं है क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा बैठी है जिसकी कैचिंग पावर इस टाइम हाईएस्ट है तो आप उसको कैसी वाइब्रेशन में लेके जाना पसंद करेंगे कौन सी एनर्जी उसको फीड करना चाहेंगे कभी ऐसे समय पर सिनेमा थिएटर जाना पीना, खाना पीना तो पार्टियों में जाना, अब सिर्फ खाना पीना पढ़ना देखना नहीं लेकिन सोचना सोचना एक दिन एक हॉस्पिटल में मैं बैठी थी बाहर तो मेरे साथ एक लेडी बैठी थी वो फोर मंथ्स प्रेग्नेंट तो बिकॉज वी आर डूइंग दिस एज़ अ प्रोजेक्ट के बेबीज़ के ऊपर कितना असर होता है मदर की वाइब्रेशन का मैं ऐसे बैठे बैठे उससे बात की और मैंने कहा ये पाँच छः महीने ना ध्यान रखना गुस्सा मत करना तो शी जस्ट लुक एट मी शी सर कितनी देर आई सर पाँच छः महीने एटलीस्ट शी स्माइल्ड शी थॉट आई वाज लाइक डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग शी सर पाँच मिनट कहते तो ठीक था पाँच घंटे भी बोलते तो भी पाँच महीने गुस्सा नहीं करना ऐसा आप गुस्सा करेंगे ना आपके अंदर जो बेबी है वो गुस्से की वाइब्रेशन ऑब्जॉर्ब करेगा उसका गुस्से का संस्कार बनेगा सर इट्स नॉट पॉसिबल पाँच महीना सो आई देन क्लोज द टॉपिक बिकॉज रिसेप्टिव नहीं थे उस बात के लिए थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के बाद वो अपने चार साल के बेटे को लेकर आई है hmm. एंड वो कहते हैं सिस्टर प्लीज़ प्लीज टेल माई सन समथिंग ये बहुत गुस्सा करता है एंड आई जस्ट एट हर कि अभी भी समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से गुस्सा आया उसके अंदर हम इतने अन अवेयर हैं अब हम चाहते हैं कि वो बच्चे का संस्कार ठीक हो जाए गर्व में वो समय था जब वो बच्चे को वो संस्कार दिया जा सकता था देव द पावर टू प्लांट विच एवर संस्कार दे वॉन्ट इन देअ चाइल्ड जो औरतें ये खाती पीती है वो तो नौ तो नौ महीने नहीं लेते हैं और कई डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि आप हिल नहीं सकते से अगर yes. आपको बच्चा चाहिए तो, yes. उनको तो हिलना भी मना है ये, है ना, ये इतना वही वही। सब कर रहे तो ये पांच महीने गुस्से के लिए थॉट लेवल पे वर्क करना है ना थॉट लेवल पे वर्क करना है अगर मदर या पेरेंट्स पे या फैमिली के वातावरण में किसी भी तरह की एंजाइटी है फियर है स्ट्रेस है हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कोई ऐसी स्थिति है लेट अस रिमेंबर वो आत्मा सारी वाइब्रेशन कैच कर रही है और ये वाइब्रेशन उस आत्मा के व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लड़का आएगी लड़की आए एक बोलेगा आई वॉज एक्सपेक्टिंग सन And I was a आत्मा शरीर में बैठे है और सपोज शरीर बेटे का बन रहा है लड़के का बन रहा है पेरेंट्स बात कर रहे हैं पहला बेटा है ना अब बेटी होनी चाहिए बेटी होगी तो हम उसका ये नाम रखेंगे हम उसके लिए ये कमरे में लगाएंगे यू नो स्वीट कॉन्वर्सेशंस लेकिन जस्ट थिंक अंदर बैठ के वो सुन रहा है क्या, इनको तो, तो, तो बेटी चाहिए मैं तो लड़का हूँ इनको तो बेतीज चाहिए हमें लगता है कि ये बहुत नॉर्मल कैजुअल छोटी सी बात एक आदमी मेरे घर पे आया था बहुत रिक्वेस्ट किया कि फलाने फलाने दिन विवेक ओबरॉय को चीफ गेस्ट हमको चाहिए बहुत तकलीफ है आप कैसे भी करिए तो मैंने बोला वो नहीं है आउट ऑफ इंडिया है नहीं आ पाए अच्छा उसके बदले में आप आ जाइए ना <laughs> तो मुझे इतना हर्ट हुआ मैं क्या मैं क्या मैंने बोला फालतू हूँ <laughs> आप आए उसके लिए मैं क्या उसका सब्सटीट्यूट हूँ उसके बदले में आ जाओ मतलब ये चाहिए तो so उतनी so छोटी of... सी बात में बाप बेटे में, yes, में मुझे yes, तब फील yeah. हुआ रिजेक्शन हाँ yeah. तो वहाँ क्या होता होगा नाइन मंथ्स दैट सोल इज कैचिंग दैट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उस स्थिति में वो ये वाइब्रेशन कैच कर रही आत्मा जब वो डिटैच है और वो हर थॉट कैच कर सकती है ऐसी स्थिति में ऐसी वाइब्रेशन कैच करके कई केसेस ऐसे मिलते हैं जो बच्चे बड़े होने के बाद भी रिजेक्शन का संस्कार कैरी करते हैं सही ना बच्चे को पता है कि ये संस्कार क्यों है ना पेरेंट्स को पता है कि उसके अंदर ये संस्कार कब डला लेकिन ये रिजेक्शन का संस्कार फिर क्या होता है थोड़ा भी कहीं भी कभी भी कुछ भी बात होती है वो बहुत जल्दी रिजेक्टेड फील करते हैं पेरेंट दूसरे बच्चे से थोड़ा सा ज्यादा कर ले ये बच्चा रिजेक्टेड फील करेगा क्योंकि वो तब से रिजेक्टेड की जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रूफ क्रिएट करके फिर आया है इसलिए अटेंशन आत्मा जब शरीर छोड़ती है वी नीड टू रिमेंबर डिटैच स्टेट में कैचिंग पावर हाईएस्ट है जिस परिवार से गई है उनको भी कोई दर्द वाली वाइब्रेशन नहीं भेजनी और जिस परिवार में आई है उनको भी कोई ऐसी थॉट या वाइब्रेशन नहीं क्रिएट करनी जिससे उस आत्मा को दर्द हो एंड विच मीन्स खुद दर्द में नहीं जाना है मेरे एक्सपीरियंस छोटे छोटे बच्चे स्कूल में मतलब जब खेलते हैं ना और दो कैप्टन बनते हैं तेरी टीम मेरी टीम मेरी और इसके मन में रहते मैं छोटी से छोटी बात में भी वो ग्रुप लेकर आएंगे तो वो गाना तो प्ले होता जाएगा तो वहां से पता चल जाता है वो संस्कार लेकर पैदा हुआ है वो बच्चा

and will permanently be a part of who we are spirituality reveals our true nature to us and also gives us the power to change any acquired sanskar when we are soul conscious our mind is silent and pure we are able to catch the vibrations of other people when a person dies, the soul leaves the body and in this detached state is able to catch the thoughts and feelings of family and friends. We will miss our family and friends when they leave the body. But if we keep crying and creating thoughts like, Why did you leave? How can we live without you? Please come back. All these thoughts will radiate pain to the soul and not allow them to carry on their journey peacefully. When the soul is in the womb of the mother, soul is detached and can catch the thoughts and feelings of parents and people around. Preference for a girl or boy can send vibrations of being unwanted or rejected to the soul, and they can carry that sanskar throughout their life.